सकल मनोरथ दायक खाटू के बाबा श्याम का फाल्गुनी मेला। लख दातार की जय, तीन बाणधारी की जय, खाटू नरेश की जय। जैसे उदगे उद्घोष और हाथों में केसरिया वे सतरंगी निशान, ध्वज लेकर फाल्गुन की मस्ती के साथ नाचते झूमते हुए देश विदेश के श्रद्धालु बाबा श्याम के फाल्गुनी मेले में बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। शेखावटी के शिखर जिले में रिंगस से 18 किलोमीटर दूर स्थित है बाबा श्याम का विशाल मंदिर, जहाँ महाबली भीम वे हिडिंबा के पुत्र एवं घटोत्कच वे मौरवी के पुत्र वीर बर्बरिक का शीश विग्रह के रूप में स्थापित है, जबकि उनके धड़ की पूजा हिसार हरियाणा के एक गांव श्या हडवा में होती है। पौराणिक प्रसंग, अब बात करते हैं पौराणिक प्रसंग क्या है इसका पौराणिक व्याख्यान। खाटू श्याम जी की कथा महाभारत से जुड़ी है। खाटू श्याम जी का मूल नाम बर्बरिक है, अत्यधिक घुंघराले बालों के कारण उनका ये नाम पड़ा। बर्बरिक की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने 3 अजेय बाण दिए थे, जिसके कारण वे तीन बाणधारी कहलाए। जिस समय महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, बर्बरिक ने माता से युद्ध में जाने की बात कही तो माता ने कहा कि तुम युद्ध में जो पक्ष कमजोर हो उसकी ओर से लड़ना। श्री कृष्ण वीर बर्बरिक के प्रण को सुनकर विचलित हो गए। बर्बरिक के प्रण के कारण कौरव पांडवों के संभावित नाश को श्री कृष्ण भाप गए थे। बर्बरिक को रोकने के लिए उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में प्रकट होकर बर्बरिक से कहा कि जिस पेड़ के नीचे मैं खड़ा हूँ, क्या तुम एक ही तीर से उसके सभी पत्ते बींध सकते हो? इसी बीच श्री कृष्ण ने पीपल का एक पत्ता अपने पैरों के नीचे छिपा लिया, परंतु जैसे ही बर्बरिक ने बाण छोड़ा, कृष्ण के दबाए हुए पत्तों सहित पेड़ का प्रत्येक पत्ता बींध गया। ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण ने बर्बरिक से शीश दान की याचना की। बर्बरिक के आग्रह पर श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप के दर्शन दिए। वीर बर्बरिक ने कृष्ण के कहने पर ये पूरा मंदिर का चित्र दे रखा है। जन कल्याण परोपकार और धर्म रक्षा के लिए अपने शीश का दान कर दिया। वे दिन फाल्गुन माह की द्वादशी का दिन था। वे दिन कौन सा था? वे दिन फाल्गुन माह की द्वादशी का दिन था और वे तभी से शीश के दानी कहलाए। बर्बरिक ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर युद्ध भूमि के समीप एक पहाड़ी पर उनके शीश को सुशोभित किया, जहाँ से बर्बरिक ने संपूर्ण युद्ध का दृश्य देखा। बर्बरिक की भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कली युग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारे भक्तों का सभी प्रकार का कल्याण होगा। एक जनश्रुति के अनुसार एक गाय नियमित रूप से एक स्थान पर अपना दूध गिरा जाती थी। तत्कालीन राजा को इस संबंध में स्वप्न आया और उसी प्रेरणा से उस स्थान की खुदाई करवाई गई, फलते बर्बरिक का शिला रूप विग्रह निकला। बाद में एक भव्य मंदिर का निर्माण कर उस विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। जहाँ शिला रूप विग्रह निकला, वहाँ आज भी श्याम कुंड बना है। कृष्ण जन्माष्टमी, जलजूलनी एकादशी, होली, बसंत पंचमी विशेष रूप से मंदिर परिसर में मनाए जाते हैं। फाल्गुन मेला, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होली से पूर्व लगने वाला मेला सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मेले के दौरान देश भर से आए भजन गायक खाटू में बाबा श्याम को अपने गीतों से अनवरत रिझाते हैं। भक्तों के बड़े बड़े दल पद यात्रा करते हुए श्याम प्रभु के जयकारे लगाते हुए खाटू की ओर उमड़ते हैं। बाबा श्याम के कुछ प्रसिद्ध नाम, शीश के दानी, हारे का सहारा, तीन बाणधारी, लख दातार, नीला घोड़ारा असवार, खाटू
खाटू नरेश जैसे नामों से बाबा श्याम भक्तों के बीच लोकप्रिय हैं। मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु निशान ध्वज चढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि निशान भेंट करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब बात करते हैं पवित्र श्याम कुंड की। ये वह स्थान है जहां बाबा श्याम का विग्रह प्राप्त हुआ था। इसके पवित्र जल को आरोग्य कारक बताया है। फाल्गुन मेले में इस कुंड में स्नान करने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। देश विदेश में पूजे जाते हैं बाबा श्याम। बाबा श्याम के प्रति आस्था का भाव ऐसा है कि श्रद्धालुओं ने ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल में भी बाबा के भव्य मंदिर स्थापित कर रखे हैं। पाकिस्तान में बाबा श्याम के दो प्रसिद्ध मंदिर हैं, एक हैदराबाद और दूसरा कराची में है। इस वर्ष मेले में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन हेतु 14 पंक्तियों की व्यवस्था थी, जिससे 3 से 5 मिनट ही दर्शन के लिए इंतजार करना पड़ा। ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों से पूरे मेला क्षेत्र पर निगरानी रखी गई। ये पूरी विस्तृत जानकारी थी खाटू के बाबा श्याम के बारे में, जिनका मंदिर सीकर जिले में स्थित है। यदि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे YouTube चैनल सारथी मैथ्स 360 डिग्री को सब्सक्राइब करना, ताकि हम आगे भी आपको हर प्रकार की अच्छी से अच्छी जानकारी प्रोवाइड करवाते रहे। जय खाटू श्याम की। धन्यवाद।